Mumbai Heroes and Chennai Rhinos are here. I've got a full toss party as usual. Okay, David Johnson will. And Vishnu will call. 2020 is the call and it's 2020. So Vishnu. Mumbai Heroes पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस जीता चेन्नई के कप्तान ने बट आमंत्रित किया मुंबई के टीम को बल्लेबाजी करने के लिए और दो ओपनर्स आफताब शिवदेसानी एंड समीर कोचर ऑन स्ट्राइक टुडे. मैं हूं अंजुम चोपड़ा और मेरे साथ सहयोगी कमेंटेटर हैं अतुल वासन. स्वागत अतुल. शुक्रिया अंजुम. गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर व्यूअर्स. नाइस कूल अहमदाबाद. प्रेजेंट चेंज फ्रॉम द लास्ट आई हैव बीन हियर. And that's Sunil Shetty, one of the icons, one of the former captains of the team, and he's been one of the guiding lights of Mumbai Heroes. बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत respect है टीम में. बीच-बीच में कभी-कभी खेलते भी हैं. इस सीजन देखा नहीं उनको खेलते हुए. और अच्छे रूल्स हैं. कई बार खिलाड़ी खेलना चाहते हैं पर जो एक दो फिट नहीं है ज़्यादा उनके लिए थोड़े से लीनियंसी रखी है रूल्स में. बहुत अच्छी बात है CCL में. आफ्ताब शिवदेसानी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं. क्लब क्रिकेट खेले हैं CCI के टीम में भी खेलते हैं मुंबई में. और मुंबई हीरोज के काफी पुराने परफॉर्मर हैं. और समीर कोचर इस साल टीम में आए हैं और अच्छी अभी तक कंट्रीब्यूशन दी है उन्होंने. इतना कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा अभी तक पर अभी तो ये टूर्नामेंट जो है गर्माता चला जा रहा है. अब दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं तो ये एक डेड रबर सा है पर दोनों ही टीमें अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रही हैं. बॉबी ने कहा कि वो चाहते थे कि पहले बैटिंग करने क्योंकि पहले दोनों मैच वो बाद में बैटिंग करके जीते थे तो टारगेट सेट करना चाहते हैं. आउटफील्ड बहुत तेज. कितने आसान से खेला उसे और चार रन मिल गए. एब्सोल्युटली सिर्फ टाइमिंग किया यहाँ पर. हल्का सा छोटा गेंद था टाइम किया डाउन द लेग साइड. जानते थे कि डीप स्क्वायर लेग पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है. शुरुआती ओवर्स हैं. फील्ड रिस्ट्रिक्टेड रहेगी और सिर्फ हेल्प किया. साफ दर्शाता है कि जो आउटफील्ड है वो काफी तेज है. क्यों ना हो रोल्ड इन. अच्छा लश ग्रीन मैदान और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी के लिए ये विकेट. जिस तरीके से आफ्ताब टैप कर रहे हैं अपना बल्ला विकेट के पास और वो आवाज़ वो साउंड आ रही है हमारे स्टंप कैंप से निकलकर. साफ लग रहा है कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है और जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा और अच्छा हो सकता है. विष्णु से बात की मैंने टॉस में. अंजू वो कह रहे थे हल्की सी एक नमी सी नज़र आ रही है पर वो यहाँ पे रहती नहीं है. जैसे ही धूप पड़ती है वो एकदम से उड़ से चली जाती है और विकेट बहुत सपाट हो जाता है. वरुण बडोला जिनका अब नाम बदल के जावेद बडोला कर दिया गया है. लास्ट गेंद पे जो 6 रन मारे थे उन्होंने CCI में और थोड़ा सा फील्ड चेंज करते हुए अभी धीरे धीरे मुझे लगता है जैसे जैसे धूप कम होगी मैदान में लोग आते चले जाएंगे. अगला मैच भी है. भोजपुरी दबंग्स का बंगाल टाइगर्स के साथ होगा. बैकअप दोनों ही ईस्ट इंडियन टीम्स भिड़ेंगी वेस्ट इंडिया में. क्यों ना हो लेकिन जो अब दर्शक मैदान के अंदर आते जा रहे हैं वो खास इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने चुनिंदा स्टार्स को पसंद करते हैं. उनका एक नया रूप क्रिकेट के मैदान पे जो CCL के माध्यम द्वारा देख सकते हैं वो देखने के लिए आए हैं. और जब हम मैदान के अंदर आ भी रहे थे तब सारे दर्शक स्टेडियम के बाहर हर गेट पे कोशिश कर रहे थे कि जिनके पास पासेस थे वो अंदर आएं और अगर जिनके पास पासेस नहीं है वो किसी तरीके से भी अंदर आएं. सो जैसा तुमने कहा मुझे लगता है कि ये मैच और रोमांचक बनता जाएगा. और अच्छी खासी रिसर्च की है अंजुम आपने टीमों पे. सब पता है कौन खिलाड़ी क्या करते आ रहे हैं. हाँ ये दूसरी बारी है जो मैंने खेल के माइक पकड़ा है तो थोड़ा बहुत जरूर जानकारी रख ली है. और अब तो जरूर जानकारी रखनी पड़ेगी क्योंकि आफ्ताब शिवदेसानी ने इतनी देर में एक और बल्ला मंगाया है क्योंकि पिछला बल्ला जो था हल्का सा क्रैक आया या उसमें अनकंफर्टेबल हो रहे थे. सो नया बैट आया है. इसके पहले 5 रन उसी बॉल उसी बैट से बनाए थे बट देखना पड़ेगा कि क्या सेम फॉर्म कंटिन्यू करते हैं. नहीं पहले ओवर की समाप्ति 7 बिना किसी नुकसान. गेंदबाजी करेंगे एक छोर से शुरुआत की स्पिन गेंदबाजी से और ये याद दिलाता है 92 वर्ल्ड कप में जब टीमें जो है कभी कभी ऑफ स्पिनर से शुरुआत करते हैं स्पिनर से नया गेंद दे के थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहते हैं ओपनिंग बल्लेबाज पे कि आप बड़ा शॉट खेलने जाएं और आउट हो जाओ. और धोनी ने कई बार अश्विन से भी गेंदबाजी की शुरुआत की है इंडियन टीम के लिए.
सोनिया अग्रवाल ब्रांड एम्बेसडर है चेन्नई राइनोस की। ओ बाल बाल बचे, जैसे ही शॉर्ट पिच देखी ललचा से गए पर बॉल आया नहीं। चेन्नई की टीम जो है वो ऐसी लाल सरफेस की पिचेस पे काफी मैचेस खेलते हैं, उनको अंदाजा है इन पिचेस का। और जो अहमदाबाद की विकेटें हैं मुझे लगता है अतुल कमाल की विकेटें हैं। हम आजकल ज्यादातर मैचेस मोटेरा के मैदान में खेलते हैं, बट अगर इस विकेट की बात करें पहले हम जरूर एक अच्छा इनिशिएटिव बिग ब्रदर फाउंडेशन के बारे में बतला देते हैं। बिग ब्रदर फाउंडेशन डोनेट्स 1000 रुपीस फॉर एवरी रन स्कोर्ड इन सीसीएल 5। क्या कैरी है, साफ दर्शाता है कि अगर ऐसा कैरी विकेट के अंदर 2:30 बजे की शुरुआत के मैच में है तो कितना बढ़िया बल्लेबाजी के लिए विकेट है, आप ऑन द राइज खेल सकते हैं। बहुत बढ़िया एक्शन भी, आई एम एक्शन विक्रांत का वेट ट्रांसफर बहुत बढ़िया, और जैसे ही सीम पे पड़ेगा बॉल कैरी करेगा। आउटफील्ड भी ऐसे है जैसे बिलियर्ड्स टेबल, बहुत मुश्किल है। तो हाई स्कोरिंग मैचेस होने की पूरी पूरी संभावना, और यही देखने के लिए ये क्राउड आया है। बड़े हिट्स लगे हैं और कल बड़े जबरदस्त दो मैचेस हमने देखे हैदराबाद में, हाई स्कोरिंग मैचेस और बिल्कुल अंत तक रोमांच भरा राउंड मैचेस में। यहाँ रोमांच तो काफी था अतुल, और उस दोनों रोमांचक मैच देखने के बाद एक अच्छा एफर्ट हो सकता था, बहुत बढ़िया टाइम किया समीर ने, बैकवर्ड पॉइंट के से निकाला एक बहुत अच्छा कोशिश, बट रोक नहीं पाए 4 रन होने से। क्रॉसिंग पकड़ के डाला बॉल, जब देख रहे हैं कि इतना अच्छा सीम हो रहा है, हाँ स्लिप्स भी नहीं है वैसे, और बढ़िया कोशिश वहाँ प्रैक्टिस पिचेस पे। फील्डिंग करना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पे बॉल एकदम से स्किड सा कर जाता है वो प्रैक्टिस पिचेस पे, और वहाँ डाइव करने में भी बहुत दिक्कत है, हार्ड मैदान है, वाइड बॉल को चेस करते हुए। कल के दोनों रोमांचक मुकाबलों के बाद आप आज सुबह सुबह अहमदाबाद पहुंचे, उसके बारे में आप जरूर कुछ बतलाना चाहेंगे दर्शकों को। सो मेबी अगले ओवर की शुरुआत में आपके पास वापस आएंगे और पूछेंगे कि क्या किया, 2 ओवर की समाप्ति 15 बिना किसी नुकसान के। मैं थकान उतार लूं क्योंकि सीधा दिल्ली से कल पहुंचे हैदराबाद, दोनों मैचेस करने के बाद लॉन्ग डे, अगर आप देखें 2020 और ये, ओह क्या फील्डिंग है, ये एफर्ट है, ये एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट जो मैंने देखी है ये कमाल की है। ये एक्टर्स हैं, खिलाड़ी नहीं है, ये आर्टिस्ट हैं, और उसके बाद इतना जज्बा जो देखने को मेरे को मिला है सीसीएल में, ये बहुत काबिले तारीफ है मेरे लिए तो। और हर बॉल के बाद एकजुट हो जाते हैं, एक डिसीजन रिव्यू इतने हैं इसमें कि एक ये बड़ी मुसीबत है क्योंकि बहुत समय लेते हैं, T20 का मतलब है अपने 20 ओवर जो है स्टिपुलेटेड टाइम में। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वॉज आउटसाइड ऑफ स्टंप, बच गए, पर अच्छे मैचेस रहे क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का जो मैदान है वो इतना बढ़िया इंटरनेशनल मैदान नहीं, तो फील्डिंग का जो एफर्ट मैंने देखा वहाँ पे बहुत बढ़िया रहा, और खासकर कल के आखिरी मैच में दो अनबीटन टीम्स, दो जो टीम्स खेली थी वो अब तक एक भी मैच नहीं जीती थी, वीर मराठीज बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मैच हार गए और केरला स्ट्राइकर्स ने वो मैच जीता। ललचा ही गए और ये प्रेशर क्रिएट किया स्टंप पे विकेट कीपर जब ऊपर खड़ा होता है और बॉल आपको मिले ना, तड़फ रहे थे आफ्ताब शब्दसानी को बड़े शॉट लगाने के लिए और आखिरकार चकमा खा गए, तो पहली विकेट गिरी है आफ्ताब शब्दसानी की। यू मिस आई हिट, विष्णु का सिंपल फंडा, जानते थे कि आफ्ताब राउंड द क्रॉस खेलना चाहते हैं बट वेरी वेरी एक्यूरेट, आफ्ताब पहली विकेट गिरी 7 रन के नुकसान, सानी आउट हुए 7 रन बना के, और अब राजा फिरवानी आए हैं नए बल्लेबाज मुंबई के लिए। वेल डन संजय,
ball, well ball, boy. Well done, Rasun Jay. ललचा गए आफ्ताब, खड़े खड़े मारना चाहते थे, स्टेप आउट करके मारते तो बेहतर रहता, बॉल की पिच तक पहुंचते तो, पर क्योंकि विकेट कीपर ऊपर खड़ा था ऐसा कर नहीं पाए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कॉशियस खेल रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत और बढ़िया सीम अप डिलीवरी, ये अच्छा एक लेंथ और लाइन भी एक्सेलेंट, बढ़िया एक्शन अतुल, बहुत बढ़िया एक्शन, मुझे तो एक्शन बहुत पसंद आया, बिल्कुल क्लोज टू द स्टंप्स, हाई आर्म और बॉडी ट्रांसफर जो है, वेट ट्रांसफर बहुत परफेक्ट है और बड़ा इकोनॉमिकल सा है, ज्यादा लंबा रन अप ले नहीं रहे जितने चाहिए, बॉडी को मोमेंटम उतना ही ले रहे हैं और लाइन कंट्रोल भी अच्छा, और खास कर से बॉल ज्यादा स्विंग ना हो जाए तो क्रॉसिंग पकड़ के गेंद कर रहे हैं। ओह पर अतुल मेरे को लगता है कि विक्रांत इस टीम के एक स्ट्राइक बॉलर हैं और जिस तरीके की गेंदे वो इस समय कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कम से कम एक स्लिप शुरुआत के अंदर खासतौर पे, स्पेशली क्योंकि नए बल्लेबाज आए हैं, अगर एक स्लिप रख सकें। ये देखिए 100 हार्ट्स इनिशिएटिव जिसके बारे में आपको बताते चले आ रहे हैं बिग ब्रदर फाउंडेशन, हर रन पे 1,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करता है और 100 सर्जरीज बच्चों की कराई जाएंगी, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो हैं, CCL का ये जो इनिशिएटिव है काबिले तारीफ है, बहुत बढ़िया, क्रिकेट फॉर कंसर्न, क्रिकेट फॉर अ रीजन। देखिए क्रीज से बाहर खड़े हैं क्योंकि विकेट कीपर पीछे है, स्लिप्स मुझे लगता नहीं यहाँ पे अंजुम, क्योंकि अगर स्लिप लगा भी देंगे तो बॉल जब जाएगा वहां पकड़ेगा कौन उसको, तो सिर्फ दिखाने के लिए स्लिप्स का मुझे लगता है यही सोच है कि रन ही बचाए लिया जाए। हाँ ये भी एक अच्छी सोच है कि फील्डर क्यों वेस्ट किया जाए अगर थर्ड मैन पर रखकर अपशन डाल रहे सतह पर, क्या बढ़िया बल्लेबाजी गेंदबाजी, एक्सेलेंट शॉट और अंपायर देते हुए दूसरा झटका मुंबई हीरोज के लिए, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, स्मैश करने की कोशिश, नाखुश है समीर कोचर अपने निर्णय से, तो हो सकता है एक रेफरल ले राजा भिरवानी से गुफ्तगू करते हुए बात करते हुए कि क्या स्निक लगा भी था या नहीं। अब यही दिक्कत है मुझे लगता है कि बल्लेबाज को पता लग जाता है और फिर बल्लेबाज उसको अपनी डिसीजन रिव्यू के नतीजे को आगे से कंफर्म करवाते हैं, तो आवाज तो जरूर आई होगी, नो बॉल में कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा स्विंग भी हुआ होगा मुझे लगता है, हाँ हल्की सी, ओह स्निकोमीटर नहीं है इसलिए हॉटस्पॉट नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है डिसीजन रिव्यू को आउट देना, ये तो अंपायर की आवाज के ऊपर ही जाना पड़ेगा। यहाँ DRS भी नहीं है अतुल, सो काफी कुछ है जो नहीं है, DRS है कि आपको आवाज बता देगा, जो पूरा हम DRS की चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वो मिसिंग है। नहीं DRS का मतलब है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, तो डिसीजन रिव्यू का सिस्टम तो है पर उसके पूरे टूल्स नहीं है, आवाज तो है और तो बेनिफिट ऑफ डाउट इस खेल में हमेशा बल्लेबाजी को ही मिलता है और चेंज कर दिया गया और नॉट आउट करार दे दिया गया और बच गए समीर कौशल, यही है एक डिसीजन रिव्यू जो गॉट बिहाइंड है उसमें हमेशा मैंने देखा है, कल भी दो बार ऐसा हुआ हैदराबाद में, ग्रे एरिया बहुत बड़ा एक डिसीजन और उसको भी बड़ा चेंज करना, गॉट बिहाइंड अपील किया था चेन्नई के गेंदबाजों ने और फील्डर्स ने बट चेंज कर दिया, समीर कोचर सर्वाइव्स, सर्वाइव्स फॉर द नेक्स्ट बॉल, चौथे ओवर की समाप्ति 19 एक विकेट के नुकसान पे, नो राइट वारो वारो नो वारी नो वारी बट सर्वाइव्ड। शांतनु पहली गेंद लेके आते हुए छोटी डाउन द लेग साइड एंड पनिश्ड इजीली, राजा भिरवानी बहुत बढ़िया बल्लेबाज है और ऐसी फ्रैंक बैट बॉल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया शॉट, पीछे खिलाड़ी नहीं है और जैसे ही शॉर्ट पिच देखा मौका नहीं चुका,
साकिब सलीम हेलमेट पहन के पैड पहन के तैयार है नंबर चार पे बल्लेबाजी करने के लिए। जब तक आपके पास ज्यादा पेस नहीं है तब तक ये खतरनाक लेंथ है बॉल करने के लिए, क्योंकि ज्यादा खिलाड़ी बाहर रहते नहीं सर्कल से। और राजा भैरवानी तैयार हैं, वो जानते हैं कि जैसे ही शॉर्ट पिच मिलेगी फिर कट और फिर चार रन। बहुत ज्यादा रूम, बहुत ज्यादा छोटी लेंथ, यहाँ बहुत बारी देखा गया है खामियाजा भुगतती है बॉलिंग टीम। पहले डाउन द लेग साइड पहली गेंद करी और उसको बचाने के लिए दूसरी बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कर दी, गलत किया कि दोनों ही गेंदें छोटी थी, बहुत ज्यादा रूम दे दिया। किसी भी गेंदबाज के लिए जब अपनी बॉलिंग की शुरुआत कर रहा है और पहले ही दो गेंदों पे 8 रन पड़ जाएं तो यकीनन दबाव खास तौर पे बॉलर के ऊपर। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर www.facebook.com/CCL2020। फिर से छोटी, फिर से रूम, बट इस बार टीप थर्ड मैन के फील्डर जरूर थे। कप्तान कभी भी खराब गेंदबाजी के लिए फील्ड सेट नहीं कर सकता, हालांकि थर्ड मैन पीछे डाला था और कहीं तो खिलाड़ी ऊपर बुलाया सर्कल में। तो दो ही खिलाड़ी अलाउड हैं सर्कल के बाहर, एक स्वीपर कवर, एक थर्ड मैन पर। अब लॉन्ग ऑन को पीछे भेजा है, कहीं अगर ऊपर गिर जाए तो ऊपर से ना मार दें बल्लेबाज। शॉर्ट पिच बॉल और बहुत ही बढ़िया शॉट, क्या टाइमिंग, एक्सीलेंट शॉट। छोटी गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और बहुत बढ़िया फायदा उठाया समीर कोचर ने, द ब्रेड एंड बटर शॉट फॉर हिम। और जिस तरीके के फॉर्म में है कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे रन बनाने का। पिछले मैच में भी जो पिछला हफ्ता खेले थे शानदार 42 रन बनाए थे, कॉन्फिडेंस गोइंग वेल फॉर 45 पहले मैच में वीर मराठीज के खिलाफ और 42 केरला के विरुद्ध। और देखिए दोनों ही बारी 25-25 गेंदे खेली हैं और अभी भी गोइंग स्ट्रॉन्ग, स्पेशली आफ्ताब शिवदेसानी के विकेट के बाद दबाव जरूर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। फिर से कट किया है, बहुत बढ़िया डाइव मार के, कोशिश जरूर थी बाउंड्री पर रोकने की बट कोई मौका नहीं, एक्सेलेंट टाइमिंग, अनदर बाउंड्री फॉर समीर कोचर। और समीर कोचर ने कहा है कि जान बची सो लाख उपाय, और फिर इस बार तो लॉटरी, बहुत बढ़िया कोशिश। पर अब देखिए खराब गेंदबाजी पे आप फील्ड नहीं सेट कर सकते, थर्ड मैन का फील्डर कितनी बॉल रोकेगा। आपने स्वीपर कवर निकाल के लॉन्ग ऑन पे भेजा और फिर आपने शॉर्ट पिच गेंदबाजी की ऑफ स्टंप के बाहर। End of the fifth over, 36 for 1.